हिमाचल में बीते दिनों गरमाए मस्जिद विवाद की लपटें अब शांत होती हुई नजर आ रही हैं। संजौली के अवैध मस्जिद विवाद में कानूनी रूप से अब अवैध निर्माण को ढहाने का फैसला आ चुका है। कमिश्नर कोर्ट के आदेशों के बाद निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कमिश्नर कोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी अमली जामा पहना भी रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने इसकी सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ मुस्लिम पक्ष ने इस तरह का फैसला लिया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे पता लग रहा है। वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे, जो अवैध है जी। बेसिक नहीं वो तोड़ रहे हैं, जो अवैध कर दी गई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली है और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर्स के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी 28 तारीख को उनका मानदेय दिया जाएगा। यानी हिमाचल में अब सभी वर्ग के कर्मचारियों को दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को ही उनकी सैलरी और मानदेय दे दिया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल में बीते दिनों गरमाए मस्जिद विवाद की लपटें अब शांत होती हुई नजर आ रही हैं। संजौली के अवैध मस्जिद विवाद में कानूनी रूप से अब अवैध निर्माण को ढहाने का फैसला आ चुका है। कमिश्नर कोर्ट के आदेशों के बाद निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कमिश्नर कोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी अमली जामा पहना भी रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने इसकी सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ मुस्लिम पक्ष ने इस तरह का फैसला लिया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे पता लग रहा है। वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे, जो अवैध है जी। बेसिक नहीं वो तोड़ रहे हैं, जो अवैध कर दी गई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली है और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर्स के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी 28 तारीख को उनका मानदेय दिया जाएगा। यानी हिमाचल में अब सभी वर्ग के कर्मचारियों को दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को ही उनकी सैलरी और मानदेय दे दिया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।